बर्फ भी गिर रहा है। पकड़े खाइए, हम चौके न बैठल थे और रदभद रदभद पत्थर गिरने लगा, फिर भागे अंदर। हेलो गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय चैनल। और अभी दोपहर का समय है और मैं अभी दोपहर का खाना खाने के लिए जा रही हूँ, तब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ऐसे भी कुछ दिनों से ब्लॉग बना भी नहीं रही थी, मैं काफी बिजी वाला चल रहा था, तो बस आज मैं सोची कि आज शूट कर लेती हूँ। देखती था गरम गरम, अभी मैं खाना बना करके रखी हूँ, तो दोपहर के लिए खाना मन्नू के लिए मुस्कान के लिए चावल बना करके रखी हूँ, वही मैं पकड़ी थी तो गर्म लग गया। आज खाने में आज मैं सब्जी बनाई हूँ आलू का भुंजिया। बहुत दिनों के बाद आलू का भुंजिया बहुत कम बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ। सब्जी के साथ किसी भी सब्जी के हरा सब्जी के साथ मैं मिक्स कर लेती हूँ, लेकिन सिर्फ आलू का भुजिया बहुत कम बनता है। मुस्कान हाय, नुनू आ रहा, खाली इसको हर बात में कुछ बोलो, नुनू और दूध, बस प्यारा बच्चा। चलो चलो खाना खा लेते हैं, क्या है तुम भी खा लो एक दो बार मेरे साथ। अच्छा खाना खाना फालतू काम होता है ना, मुस्कान के लिए तो वही होता है फालतू काम, फालतू से भी महाफालतू वाला काम हो जाता है। मैं पहले खाना खा लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। अभी मैं सो गई थी खाना खाने के बाद और मैं अभी उठ रही हूँ और बाहर में था जोर से बारिश, मतलब जोर बारिश जोर से नहीं आ रहा है लेकिन बादल बहुत जोर से गरज रहा है। मन्नू गाड़ी अंदर कर रहा है, फोन में बात भी कर रहा है, गाड़ी भी अंदर कर रहा है। अचानक से मौसम एकदम से चेंज हो गया, बादल गरजने लगा है और बारिश भी हो रहा है। मैं सो गई थी तो मुस्कान भी सो रही है, अब पता नहीं थोड़ा आलसी सा लगा शायद मौसम की वजह से, तो नींद आ गई। ज्यादा देर नहीं, आधा घंटा के करीब मैं सो गई थी। इधर का खिड़की भी खुला हुआ है तो भी मैं बंद कर देती हूँ। इधर से पानी छींटा लगेगा अंदर तक घुस जाता है। और आज हम लोग माँ के यहाँ जाने का सोचे थे लेकिन ऐसे मौसम की वजह से नहीं जा पाए, मतलब काफी देर से ऐसे ही मौसम कर रहा लग रहा था कि हाँ बारिश होगा बारिश होगा, तब जाकर अभी एक डेढ़ घंटा हो गया तब जाके अभी बारिश स्टार्ट हुआ है, बादल गरजना शुरू हुआ है। मुस्कान यहाँ सो रही है, मुस्कान कितनी बार बोली मम्मी नहीं जाएगी मम्मी नहीं जाएगी, और मुझे तो ऐसे मौसम करता है थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि बादल गरजने जैसा, तभी काफी देर से कड़क रहा है बादल, तो मैं बोली कि रुक जाओ बारिश छूट जाएगा तो जाएंगे, तो तब से बारिश हुआ नहीं था। उसके बाद मैं सो गई, उसके बाद अभी उठी हूँ, तभी माँ का फोन आया, बोल रही है कि बोली कि नहीं आएगा तुम लोग, हम हलवा बना करके रखे हैं, अब क्या बोले, एक बार पूछ लेते कि कितना देर में आ रहा है, तो अभी अच्छा नहीं लग रहा है कि बना के रखी है हम लोग नहीं गए हैं। अगर अभी तुरंत बारिश छूट जाता है थोड़ा देर में तो चले जाएंगे, क्योंकि मुस्कान को भी बहुत मन था, मुस्कान को भी बहुत मन था जाने का। अब मुस्कान का फेवरेट हलवा बना के रखी है नानी, चॉकलेट। हाँ बहुत खुश, क्या करे मेरा ही गलती है। मन्नू बोला कब से बोला कि चलिए चलिए, लेकिन मैं बोली कहीं बारिश आ जाएगा तो इसी वजह से फिर मैं रुक गई। सॉरी बाबा, उधर नानी वेट कर रही है। ओहो ऐसे लग रहा था ना कि मतलब धूप था, ऐसे लगा गर्मी आ गया। हाँ दिन में मुस्कान बोल रही थी मम्मी गर्मी आ गया, मम्मी गर्मी हल्का हल्का सा पसीना नाक पे आ रहा था, आज मैं भी नहा कर गई थी उसके बाद फिर हल्का हल्का सा पसीना पसीना लग रहा था नाक पे, ऐसे लग रहा था कि आज ही हम लोग बात कर रहे थे गर्मी का। देखो बारिश शुरू हो गया है, कैसे मुंह बना दिया। देखो हम हॉट पैंट भी पहन लिए थे उसके चलते। अच्छा सब गर्मी का गलती है, मुस्कान गर्मी लग रहा था इसीलिए मुस्कान शॉर्ट्स पहन ली और बारिश शुरू हो गया। अभी का मौसम ऐसा ही होता है, गर्मी लगेगा फिर बारिश होने लगेगा फिर ठंडा लगने लगेगा, कितना कोई तो स्वेटर वेटर रख देता है, उसके बाद फिर अगर ऐसे ठंडा होने लगता है तो फिर से निकाल देता है सब कोई। बारिश बहुत ज्यादा तेज हो गई और हवा भी बहुत ज्यादा चल रहा है एकदम, तो डर लगता है मुझे बाहर जाने के लिए, इतना ज्यादा हवा और इतना ज्यादा बारिश हो रहा है, बहुत हवा चल रहा है। ये सारा पेड़ पौधा सब बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है, हवा के साथ में बंद करते हैं। बस इसी बात का मुझे डर था इसीलिए मैं घर से नहीं निकली, लग रहा है कि बर्फ भी गिर रहा है, आवाज से तो वैसे ही लग रहा है
अच्छे से मैं देखती हूँ। बर्फ भी गिर रहा है छोटा छोटा, तो बाहर तो मैं जा नहीं सकती हूँ, मतलब कि अभी ठंडा और बढ़ेगा। बर्फ गिर रहा है तो यहाँ मुस्कान मन्नू का जूता भीग रहा है, मैं तो ध्यान ही नहीं दी, इसको ऊपर रख देते हैं। ये रहा बर्फ पिघल गया मेरे निकलते तक, ये छोटा सा है मुस्कान, बर्फ गिर रहा है देखिए आज तक गिरते हुए खिड़की से नहीं दिखा, देखिए खिड़की से नहीं दिखेगा। अरे बाप रे, बाहर से वहाँ भींग जाएगी, भींग जाएगी। चलो ऊपर से छत से दिखा देते हैं, पकड़ेंगे, खाएंगे, खाएंगे, खाएगी। चलो दौड़ के भाग रही है, यहाँ पानी घुस भी रहा है पूरा अंदर तक, इधर का ही पानी है, जहाँ खोलेगी भीग जाएगी, भीग जाएगी। आ नहीं नहीं, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, यहाँ पे पूरा पानी अंदर तक आ गया है हवा के साथ में, बर्फ भी अंदर तक आ रहा है, पूरा पानी घुस रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा, ये बर्फ भी पूरा अंदर आ रहा है। मन्नू का रूम में भी यहाँ पूरा पानी घुस गया है, यहाँ वेंटिलेटर से एकदम इतना ज्यादा जोर से बारिश हो रहा था, हवा आ रहा था ना, इसी वजह से यहाँ पूरा ये पर्दा भी भीग गया है पूरा, ये पूरा भीग गया है। मन्नू का बेड भी यहीं पर है, तो बहुत आफत वाला बारिश हो गया। अच्छा वो आज हम लोग गए नहीं, अभी तो हमको बोल रही थी कि मम्मी ने गए, मम्मी के चलते हुआ है, देखो इसीलिए ना, हमको पता है बारिश होता है तो ऐसे ही होता है, हम लोग का घर ही ऐसा है ना मनु, मम्मी का बना रहे बारिश आता है तो बारिश पानी घुस जाता है अंदर, गर्मी में गर्मी लगने लगता है, बहुत आफत है। चलो रिडिजाइन करना पड़ेगा, हाँ अब मनु कराएगा घर का रिडिजाइन, कोई नहीं चलो, थोड़ा सा बारिश हुआ लेकिन इतना भयानक बारिश हुआ, किधर से पानी घुस रहा है, किधर किधर से पानी नहीं घुस रहा है घर में, पता घर के अंदर पानी क्या घुसता, मम्मी हर ढंग से साफ नहीं करती है, दीवार वाल से साफ करना पड़ रहा है। मम्मी का लैपटॉप भी यहीं पे रखा हुआ था, उसमें भी पानी का छींटा लग गया, साफ नहीं हो रहा, कोई नहीं, जब भी डिजाइन करेगा उसके बाद भी खराब हो जाएगा तब हम करेंगे उसके बाद। जिंदगी भर डिजाइन ही करते रह जाएगा तुम लोग घर का, ऐसा नहीं होता है, कोई भी घर होता है ना तो होता ही है ऐसा, ठीक है ना। बारिश और मतलब कि मौसम का मार से कोई नहीं बच सकता है। अभी मैं पोछा लगाई, उसका पैर में पता नहीं कहाँ से इतना गंदा लेके आया है, मैं पोछा लगाई और सारा पैर का निशान काला काला पैर के नीचे से, कहाँ गया था तुम इतना गंदा लेके आया, मंडरेला वो कहाँ पे है पूरा, हाँ सिंड्रेला का घर में है मंडरेला, बता फिर से हमको पोछा करना पड़ेगा, पूरा पैर का निशान लगा के चल गया जमीन में, अब तेरा पारी है तुम पोछा करो। हाँ ठीक, मंडरेला गया था सिंड्रेला, सिंड्रेला से मिलने गया था मंडरेला, ला पोछा करो, पूरा दाग लगा दिया। वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए। अभी धोकाया है पर ना, अभी भी नहीं धोकाया है तुम, धोके तो मैं पूछ कर तो धोके नहीं आते, पैर पोछने से पैर साफ हो जाता है, हैं? जा 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 पहले पैर धोके आ, तुम इतना प्यारा पैर देख लो, और रगड़ रगड़ गंदा कर दो कर दो। मुस्कान बाहर बारिश का मजा ले रही है, बारिश छूटने के बाद बारिश का मजा ले रही है, अभी बारिश का मजा आया ना, इतना भयानक बारिश हुआ था। और हम लोग तैयार हो गए हैं, बारिश बंद हो गया है तो जा रहे हैं माँ के यहाँ, नानी के घर पहुँच गए हैं और अभी अंधेरा होने वाला है, आज मम्मी झोला नहीं लाई थी और जैसे सब्जी लेके जा रही है, मिल गया ना प्लास्टिक में, हमको लगा था ये भी नहीं मिलेगा, हमको प्लास्टिक बैग है। पानी आ रहा है लेकिन नहीं आ रहा था, बताइए। हाँ
मान लो अच्छा हुआ कि नहीं आए हम चौके न बैठल थे और रथ रथ पथल गिरने लगा फिर भागे अंदर वही पानी अभी गए होते तो का होता वही हम मुस्कान रोटी बेल देंगे बोल रही है अपना नानी का यार लाइट नहीं है कब का था नहीं तो लेटा है इसीलिए बना रहे हैं दे दीजिए बेलेगी का दिक्कत है एक दो को बेलने दीजिए एक दो दे दीजिए ना उसको मन कर रहा है लास्ट में बेलेगी एक दो को बचा रहेगा तो बेलेगी अच्छा ठीक है नानी को बेलने दे लो अच्छा गुल्लू बना हम लोग आ गए अभी थोड़ा देर पहले ही आए हैं और आते ही मुस्कान अपना काम में लग गई है मैं आटा गूंदने जा रही थी लेकिन मुस्कान आजकल हमको आटा गूंदने नहीं देती है खुद ही गूंद रही है वहां भी माँ के यहाँ भी गई थी तो वहां भी रोटी बेलने के लिए फिर आखिर रोटी बेली सारा करीब 5-6 को रोटी बेली ना तो 4 को रोटी बेली अभी घर आ गए तो मैं आटा गूंदने जा रही हूँ तो फिर से आटा गूंदने के लिए बैठ गई है पता नहीं इसको कितना मन लगी है हाँ आटा गूंदने में रोटी बनाने में सीख गई है तो सब मजा आता है इसको ना अच्छा पढ़ाई की भी का हाँ। पढ़ाई नहीं करेगी का अब मनु हम लोग को घर छोड़ कर उसको कुछ काम था तो वहां चला गया है माँ हम लोग के लिए हलवा भेज दी है क्योंकि मनु खाया भी नहीं मैं सिर्फ खाई और मुस्कान फिर भी माँ का तो आदत है थोड़ा सा कुछ भी नहीं बनाती है हमेशा ज्यादा ही बनाती है वही थोड़ा पहले गए होते तो शायद मनु खाया होता तो नहीं खाया अभी इतना टिफिन में पूरा भर के भेज दिया है जिसको मैं रख दूंगी फ्रिज में।